नमस्ते दोस्तों आप लोग कैसे हैं आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे हो गए शानदार हो गए दोस्तों बिहार इंटीग्रेटेड बीएड ऑनलाइन फॉर्म 2024 इसका नोटिस जारी कर दिया गया है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बताने वाले हैं कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है दोस्तों बिहार इंटीग्रेटेड बीएड होता है क्या है इसका सिलेबस क्या होता है सारा कुछ आपको बताने वाले पूरा वीडियो को आप लोग देखिएगा चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं ना कि भैया क्वालिफिकेशन क्या मांगा जाता है उसके बाद सारा कुछ आपको बताने वाले देखिए अगर आपने दोस्तों ट्वेल्थ पास किया है ठीक है और ट्वेल्थ में बारहवीं में आपका पचास परसेंट मार्क्स है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो अगर आप रिजर्व कैटेगरी हैं जैसे बिहार में जो बी सी ए बी सी एस सी एस टी है तो पैंतालीस परसेंट भी आपका बारहवीं में है ना तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो ठीक है और इसके लिए एज का कोई लिमिट नहीं होता है दोस्तों नो एज आपका लिमिट मतलब मिनिमम मैक्सिमम एज का कोई लिमिट नहीं है अब दोस्तों इसको समझिए शुरू में ही मैं बताता हूँ ये होता क्या है दोस्तों आपने बहुत सारे बच्चों का आप देखो बिहार में बहुत सारा वैकेंसी आ रहा है टीचर का लगातार दोस्तों एक लाख सत्तर हजार एक लाख बीस हजार और नब्बे हजार वैकेंसी निकला है तो बहुत सारे बच्चों का इंटरेस्ट है कि हम भैया बीएड करें क्योंकि टीचर बनने के लिए आपको बीएड करना पड़ेगा ठीक है बी का कोर्स होता है दोस्तों दो साल का और बी कब आप कर सकते हो ग्रेजुएशन आपने कर रखा है तब यानी तीन साल ग्रेजुएशन प्लस दो साल का बी यानी कुल मिलाकर पांच सालों का समय लग जाता है दोस्तों तो बिहार सरकार ने दोस्तों ये नया मतलब दो तीन साल से दोस्तों ये चल निकल के आया है ना कि डायरेक्ट आप इंटर के बाद ही ग्रेजुएशन कर सकते हैं साथ में दोस्तों बीएड भी कर सकते हैं एक ही बार में उसके लिए दोस्तों ये फॉर्म निकाला गया है ठीक है समझ गए ना तो अगर आपको भैया क्या करना है ना डायरेक्ट भैया एक तो ग्रेजुएशन भी साथ में चाहिए हम हमारे इंटर पास है भैया ग्रेजुएशन भी हो जाए साथ में आपका बीएड भी हो जाए तो वही दोस्तों चीज है अगर ये आप कर लेते हो तो एक तो आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाता है साथ में आपका बीएड भी कंप्लीट हो जाता है भैया टीचर का वैकेंसी आएगा तो उसमें फॉर्म भर दो ठीक है ना अलग से आपको भैया बी करने की फिर जरूरत है नहीं तो बहुत ही अच्छा चीज है दोस्तों अब इसके बारे में सारा कुछ समझिएगा दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको बताया क्या चीज है ये इसमें दोस्तों देखो क्या होता है ना कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट होता है सी टी जिसको बोला जाता है ये कोर्स दोस्तों बी ए बी एड बोलते हैं अगर आपने बारहवीं पास है या तो आ, आप बी ए बी एड कर सकते हो ठीक है या बी एस सी बी एड कर सकते हो यानी साइंस वाला बच्चा ये हो गया बाकी आर्ट्स वाला ये हो गया ठीक है तो ये दोस्तों दो कोर्स आपके लिए है कितना साल का होता है भाई ये आपका चार साल का है ठीक है ड्यूरेशन इसका चार साल का है सारा कुछ बताएंगे फी वगैरह सारा कुछ आपको बताएंगे घबराइए नहीं, सारा कुछ जानकारी आपको देने वाले तो आपका सबसे शुरू में बता दूं अगर आपको हम यह लगता है कि हमको टीचर बनना है या दोस्तों आप ना सिंपली ग्रेजुएशन भी आप लोग करते हो ना अब टीचर का लगातार वैकेंसी भी सुनने को मिल रहा है आने वाली है तो ये आपके लिए शानदार मौका है बारहवीं के बाद दोस्तों डायरेक्ट आपका ग्रेजुएशन प्लस में बी साथ में करने का पिछले बार आपने चर्चा सुना होगा ना कुछ दिन पहले भैया बी समाप्त हो रहा है समाप्त नहीं हो रहा है यही बारहवीं के बाद दोस्तों ये वाला लॉन्च मतलब एक तरह से आया हुआ है कि आप बारहवीं के बाद ग्रेजुएशन साथ में बी भी कर सकते हो उसके लिए दोस्तों बी एड या बी एस सी आपका रखा गया समझ गए इस बात को कौन कौन फॉर्म भर सकता है पचास परसेंट बारहवीं में रिजर्व कैटेगरी है पैंतालीस परसेंट एज का लिमिट नहीं है अभी आर्मी बारहवीं पास किया है इसको अप्लाई कर सकते हो समझ गए अब आप अप्लाई करोगे तो कितना फी लगेगा भैया जनरल का एक हजार लगता है बाकी बी सी बी सी डब्ल्यू एस है तो सात सौ पचास रुपए एस सी एस टी है तो पांच सौ है ठीक है अब अप्लाई कब होगा सिलेबस क्या है दोस्तों पहले एक जो नोटिस जारी किया गया वो नोटिस आपको दिखाता हूँ दोस्तों ये वाला आपका नोटिस में दिखा रहा हूं राजभवन पटना राजभवन के माध्यम से निकाला जाता है दोस्तों ठीक है और ये दोस्तों किसको लिखा गया वाइस चांसलर द्वारा लिखा गया मुजफ्फरपुर को ठीक है सब्जेक्ट पढ़िए रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जिसको सी बोला जाता है दोस्तों फोर फोर ईयर चार सालों के लिए दोस्तों बी ए और दोस्तों बी एस सी कोर्स दो ठीक है अब निसी आप लोग पढ़ोगे ना इसका नोडल एजेंसी भी यहाँ पर बता दिया गया किसको नॉमिनेट किया गया बार ए बिहार यूनिवर्सिटी को भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर को बनाया गया नोडल एजेंसी कि यही सब आपका जो कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट है ना ये आपका कंडक्ट करावाएगा चार साल का को आपका कोर्स है बी ए बी एड या बी एस सी बी एड इंटरग्रेटेड कोर्स आपका रहने वाला है ठीक है तो ये आपको बनाया गया बाकी तमाम चीज़ें हैं ये दोस्तों आपका इसी अब मेरे ख्याल से लगता है अगस्त के दोस्तों लास्ट तक ये आपका अप्लाई होना भी स्टार्ट हो जाएगा ठीक है देखिए दोस्तों नोटिस मैंने आपको बता दिया जो कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट है ना भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी को बनाया गया है नोडल एजेंसी उसके माध्यम से दोस्तों आपका सारा कुछ होने वाला है ठीक है अब इसका सिलेबस पहले समझिएगा दोस्तों सिलेबस क्या होता है अब देखिए दोस्तों सिलेबस हम आपको आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें अच्छा खासा बच्चा फॉर्म अप्लाई करते हैं हजारों की संख्या में और सीट भी ज्यादा नहीं होता है दो हजार का अप्रोक्स में आपका सीट होता है तो ये कंपटीशन ज्यादा है तो तैयारी भी आपको अभी से स्टार्ट कर देनी है और इसके मद्देनजर ही दोस्तों एग्जाम दौर ने चार वर्षीय बिहार बी के लिए दोस्तों पीडीएफ फॉर्मेट में ई बुक नोट तैयार किया है ये सारा का सारा जो नोट है ना एक्सपर्ट शिक्षक के द्वारा दोस्तों तैयार किया गया सारा संभावित आपका प्रश्न रहने वाला है और न्यूनतम पैटर्न पर आधारित है और तीन से ज्यादा दोस्तों आपका प्रश्न का संग्रह इसमें देखने को मिल जाएगा इसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी मिलेगा

सवाल क्या रहता है इंग्लिश से भैया आपका पंद्रह क्वेश्चन रहेगा हिंदी से आपका पंद्रह क्वेश्चन रीजनिंग से आपका पच्चीस क्वेश्चन जीके जी से आपका भैया चालीस क्वेश्चन संस्कृत भी पूछा जाता है जो शिक्षा वाला है ना भैया उसके लिए रहता है ठीक है तो हमने नहीं लिखा है बाकी दोस्तों जनरली यही रहता है जो शिक्षा प्रोग्राम से है उसके लिए संस्कृत होता है तो के नहीं है बाकी टीचर लर्निंग आपका होता है ना टीचर लर्निंग एनवायरमेंट आपका इन स्कूल उससे मतलब भैया पच्चीस क्वेश्चन उससे पूछा जाता है तो ये सिलेबस है टोटल एक क्वेश्चन अब इसमें दोस्तों इतना आसान नहीं है कि भैया एक ही बार में आपका सिलेक्शन हो जाए पास करने के लिए आप लोग देखोगे तो मिनिमम आपका रहता है कि हाँ तीस परसेंट अलग जनरल जे, जे, है तो पैंतीस ऐसा कुछ लिखा जाता है कि भैया मिनिमम क्वालिफिक आपका इतना पास करने के लिए चाहिए उससे आपका काम नहीं इसलिए हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं भैया इसमें कॉम्पिटिशन अच्छा खासा होता है कम से कम दोस्तों देखो बिहार में अभी चार यूनिवर्सिटी है जो इसका दोस्तों करा रहा है मतलब इसका कोर्स करा रहा है हो सकता है इस बार जब फुल नोटिस जब जारी हो तो आपका भैया यूनिवर्सिटी की संख्या बढ़ जाए ये हो सकता है दोस्तों तो चार है तो इसमें बहुत ही मारा मारी है कंपटीशन भैया कहीं से भी आसान नहीं है कि सबको चाहिए कि भैया हम करें हमको करना है भैया टीचर का क्रेज तो है तो भैया बहुत बच्चे इसको फॉर्म अप्लाई करते हैं कम से कम दोस्तों आपका 90 प्लस भी जा सकता है अच्छा अगर स्कोर ला तो 120 में क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है तो अस्सी नब्बे के आसपास या नबे प्लस तो आपका आपका सिक्योर होता है कि एडमिशन हो जाएगा ये दोस्तों आपको मैंने बताया और इसमें दो आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा खर्चा कितना होता है ये भी आपको बताने वाले एग्जाम सेंटर मात्र दो ही अभी तक है दोस्तों एक है दरभंगा दूसरा है मुजफ्फरपुर यहां पर जाकर आपका पेपर देना होगा ठीक है अब देखिए ऑफलाइन होता है दोस्तों पेपर अब इसमें खर्चा क्या होगा आप नॉर्मल दोस्तों आप देखो नॉर्मल आप दोस्तों बी करोगे ना ठीक है बी एड दो दो तरीके से होता है एक होता है दोस्तों आपका गवर्नमेंट कॉलेज हो गया एक होता है दोस्तों आपका प्राइवेट कॉलेज होता है गवर्नमेंट कॉलेज का खर्चा कम है और दोस्तों प्राइवेट का खर्चा हो जाता है बी करने का डेढ़ लाख से लेकर दोस्तों आपका दो लाख के आसपास खर्चा हो जाता है ठीक है तो सेम उसी की तरह दोस्तों ये पूरा चार साल का करोगे ना तो आपको उतना ही खर्चा होगा एक तो इसमें आप पूछोगे सर इसमें फायदा क्या हुआ फायदा यह है ना आप ग्रेजुएशन तीन साल की है दोस्तों सपज प्लस में दोस्तों दो साल का आप बी करोगे ठीक है तो कम से कम आपका जो समय जाएगा ना पांच साल का समय जाएगा कभी कभी यह भी होता है ना ग्रेजुएशन तो आप तो दोस्तों चार, चार साल का हो रहा है तो चार साल तो कम से कम उसमें भी निकल जाएगा दोस्तों क्योंकि तीन साल पिछला भी पहले भी ग्रेजुएशन होता था भैया तो तीन साल का चार साल लगता था अब तो चार साल का भी हो रहा है तो ग्रेजुएशन प्लस में दो साल का बी एड साल इसमें निकल जाता था पहले ये दोस्तों चार साल का ही है चार साल में गारंटी आपका हो जाएगा इसमें डिले उले नहीं होता है तो एक फायदा ये है समय का बजट दो साल का बजट होगा उसके बाद आप या तो दोस्तों सिटे या स्टेट निकालो उसका टीचर वाला फॉर्म भर दो तो ये दोस्तों आपके पास है पैसा बाद में अगर आप करते हो बी एड तो उतना ही लगता है इसमें भी उतना लगेगा साथ में ग्रेजुएशन भी हो जाएगा और आप समय का भी बजट है तो ये एक फायदा है क्योंकि अभी केवल क्यों प्राइवेट दोस्तों कॉलेज है इसलिए फी आपके ज्यादा लग रहा है हो सकता है बाद में फुल नोटिस है तो सरकारी इसमें दोस्तों कोई कॉलेज को जोड़ दिया जाए जिसका फी भी कम आपका हो जाएगा पंद्रह बीस हज़ार पच्चीस हजार में हो जाएगा ठीक है तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी तो आसान भाषा में आप लोगों ने समझ लिया ये हो है क्या दोस्तों फिर से रिपीट करता हूं अगर आप बारहवीं पास है बारहवीं के बाद दोस्तों ग्रेजुएशन साथ में दोस्तों आपको बी करना है तो ये दोस्तों आपके लिए निकला हुआ है बी क्यों करना जरूरी होता है अगर आपको टीचर बनना है तो बीएड दोस्तों आपको करना जरूरी होता है ये समझ लिए तो भैया शानदार टीचर बनने वाले बच्चों के लिए मौका है बारहवीं के बाद करने का तो ये सब सारा कुछ आपको मैंने समझा दिया क्या क्या सवाल रहता है आपका क्वालिफिकेशन वगैरह सारा कुछ मैंने बता दिया बारहवीं पास हर तमाम आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो एग्जाम सेंटर वगैरह और दोस्तों बिहार इंटरग्रेटेड बी ऑनलाइन फॉर्म इसको बोलते हैं समझ गए चलिए कोई सवाल हो कोई डाउट हो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ लीजिएगा छा दोस्तों आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा धन्यवाद